नमस्कार दोस्तों। तो आज का आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारी YouTube चैनल आदिवीरा पॉइंट पर। तो दोस्तों अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और नई आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वलोकन 2021 की जो बुक है उसका, जो कि है सामान्य भूगोल। इसमें आपको जो है भारत और विश्व दोनों का भूगोल आपको कवर मिल जाएगा। इसमें जो है 1990 से 2021 तक सारे प्रश्न पत्र जो है सम्मिलित करे गए हैं इसमें। तो सारा कुछ जानेंगे, इसके पहले आपको बता दें और आप पीडीएफ और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यहां पर मिल जाएगी, तो आप जरूर उसको ज्वाइन कर लें। तो देखिए इसकी सीरीज की जो है ये बुक्स जो है इसमें देखिए घटना चक्र पूर्वलोकन जो इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। इसमें 8 इनके पाखंडों में प्रकाशित होती है। पहला जो है समसामयिक घटना चक्र, दूसरा है इतिहास का, तीसरा जो है भूगोल का है, चौथा राज्य व्यवस्था व शासन का है, पांचवा जो आर्थिक व सामाजिक विकास, छठवां है पर्यावरण पारिस्थितिकी, सातवां है सामान्य विज्ञान और आखिरी वाला जो 8वें नंबर का आता है वो राज्य आधारित प्रश्न जितने भी आपके पीएससी लोक सेवा बाय में आते रहते हैं उनके सब में यहां पर संकलन दिया हुआ है। तो आप इनका भी और वीडियो चाहते हैं, अभी हम करने वाले हैं रिव्यू थर्ड वाले का सामान्य भूगोल का, तो वीडियो को पूरा देखें अंत तक, आपको अच्छा रिव्यू देखने मिलेगा पूरी यूट्यूब पर। ऐसा हम आपको डिटेल में रिव्यू बताएंगे, प्राइस बुक की क्या रहने वाली है सब कुछ आपको बताएंगे। देखिए जो इसकी बुक की मोटाई लगभग इतनी मोटी जो बुक है, पेज की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है इसमें देख सकते हैं इतनी जो है। और इसकी बात करें प्राइस की तो प्राइस आपको यहां देखने मिल जाएगी, प्राइस जो है इसकी ₹375 इसकी MRP है। बाकी अब आपके मार्केट पर डिपेंड करती है, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कहां से सस्ती पड़ेगी तो आप अपने हिसाब से इसको परचेज कर सकते हैं। वैसे आप ऑफलाइन मार्केट से लेंगे तो आपको सस्ती पड़ेगी, ऑनलाइन में इसके प्राइस काफी ज्यादा है क्योंकि उसमें डिलीवरी चार्ज वगैरह भी लग जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट इसमें इन्होंने दे रखा है, इसमें सबसे अच्छी बात है इसकी सत्यता, क्योंकि इसमें काफी कम चांसेस हैं गलत होने के क्वेश्चन, और बाकी इसमें अपडेट कर दे देते हैं इनकी वेबसाइट पर। यहां पर कुछ नहीं, यहां पर रिविजन नोट्स भी यहां पर दे रखे हैं, MRP आपको पहले बता ही चुके हैं हम। तो यहां देखें सबसे पहले आप इनका इंडेक्स, जो सबसे महत्वपूर्ण रहता है इंडेक्स किसी भी बुक्स का, तो यहां से देखेंगे आप। पहले दे रखा है सामान्य भूगोल, सामान्य भूगोल में क्या है इनका सामान्य परिचय है, यहां पर पृष्ठ संख्या दे रखी है, सामान्य भूगोल है। फिर यहां पर भौतिक विभाजन से जितने सारे प्रश्न है, पहले इन्होंने नोट्स दे रखे हैं फिर उसका उस पर क्वेश्चन। देखिए पहले दिखा देते हैं यहां पर आपको इस तरह से, जैसे ये है सामान्य भूगोल, ये सामान्य भूगोल है, तो यहां पर उन्होंने कुछ शॉर्ट नोट्स दिए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर उसके अलावा यहां उन्होंने देखिए यहां पर मैपिंग भी करके रखी हुई है, देख सकते हैं यहां पर जो मैपिंग है, ये मैपिंग जो दे रखी है इन्होंने यहां पर देखिए क्षेत्रफल से। और फिर यहां पर जो है क्वेश्चन जो बने हैं वो सारे इन्होंने प्रीवियस पेपर जो है एग्जाम समय आए हुए हैं सारे लोक सेवा आयोग में, वो यहां पर इन्होंने दे रखे हैं। तो यहां से देखते हैं सामान्य परिचय हम देख चुके थे, यहां पर फिर दे रखा है इन्होंने भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन के बाद यहां पर इन्होंने इसमें सब है, प्राकृतिक प्रदेश, उत्तर पर्वतीय प्रदेश, पहाड़ियां, चोटियां, दर्रे, हिमनद, पठार, तटरेखा, पूर्वी द्वीप समूह, बंगाली खाड़ी। फिर यहां पर राज्य केंद्र शासित प्रदेश, प्रजातियां, जनजातियां, भाषाएं, अपभ्रंश है। फिर इसके बाद जो है नदियां, अन्य नदियां, झीलें, जलवायु, मिट्टियां, वनस्पतियां, सिंचाई नहरें, बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाएं, कृषि हरित क्रांति, नकदी फसलें, तिलहन, दलहन, रेशम, बागवानी फसलें, झूमिंग कृषि, ये सब आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें। तो ये सब यहां पर 30 हैं कुल मिलाकर, यहां पर जो है 30 चैप्टरों में भारत का भूगोल को बांटा गया है। पहले इतना ही भारत का भूगोल, इसके बाद जो है यहां से इन्होंने चालू करा है विश्व का भूगोल। 30 चैप्टर में है यहां पर भारत का भूगोल, और यहां पर लगभग 52 देखिए यहां पर देखिए 52 है जो 52 चैप्टरों में है विश्व का भूगोल, काफी डिटेल में लगभग 266 पेज पर यहां पर दिए हुए हैं, और 358 पेज आपको यहां पर भारत के भूगोल के देखने मिल जाएंगे। तो जो विश्व का भूगोल है उसमें आपको पहला चैप्टर मिलेगा ब्रह्मांड, हर बुक्स में आपको पहले ये चैप्टर देखने मिलेगा ब्रह्मांड, जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम है उसमें ग्रह हैं, उपग्रह हैं, कुछ बौने ग्रह हैं, सारा कुछ जानकारी आपको यहां पर मिलेगी। जो सामान्य अवधारणा है, सौरमंडल, सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, सारे जितने भी एग्जाम से प्रश्न आए हुए हैं वहां मिलेंगे। फिर हमें मिलेगा पृथ्वी के बारे में जानकारी, अक्षांशी, देशांतर, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, दिन रात, घूर्णन गति, परिक्रमा गति, सारा। फिर पृथ्वी किससे निर्मित हुई है, चट्टानों से बनी है, उसमें चट्टान में क्या पूर्णता ज्वालामुखी, तो सारी जानकारी यहां पर है ज्वालामुखी। उसके बाद भूकंप, महाद्वीप, पर्वत श्रेणियां, घाटियां, मैदान, घास के मैदान, जो आपके कई एग्जाम से महत्वपूर्ण है घास के मैदान, सीमाएं। उसके बाद जब आप यहां आएंगे
तो यहां आपको दिखाई देगा अधीन क्षेत्र, ये जो है अधीन क्षेत्र, ये सारा कुछ आप यहां पर पढ़ सकते हैं, ये देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, आगे भी हम बुक्स का पूरा रिव्यू देंगे आपको, यहां से देख सकते हैं आप सारा आर्द्रता चक्रवात वायुदाब बादल हवाएं स्थानीय पवने वन विश्व जलवायु प्रजातियां आर्थिक भूगोल, यहां से फिर आपका लग जाता है आर्थिक भूगोल, यह था विश्व का, यहां से आपको देखने मिलेगा आर्थिक भूगोल, जिसमें आर्थिक भूगोल में जो है आपकी कृषि पशुपालन खनिज उद्योग वगैरह परिवहन बंदरगाह मानचित्रण इन सब के अलावा जो कुछ बचा हुआ एक्स्ट्रा वो इन्होंने विविध में कवर कर दिया है। तो अब हम देखेंगे यहां पर कोई आपके लिए यदि डाउट है तो आप इन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं नंबर पर, प्रश्न में कोई भी समस्या है तो पीछे इन्होंने दे रखा है कि किसी भी प्रश्न के जो उत्तर में आपको यदि कोई डाउट रहता है तो आप इन पर पूछ सकते हैं, वो इनको कर सकते हैं, कोई दिक्कत है तो यहां पर अथॉरिटी की बनी रहती है। ये हम आपको दिखा चुके थे पहले सामान्य भूगोल, ये देख सकते हैं इसमें जो प्रश्न पत्र कवर किए गए हैं, कौन कौन से प्रश्न पत्र इसमें कवर किए गए हैं और कितने प्रश्न लिए गए हैं, इसमें लगभग 28,000 से अधिक प्रश्नों का संग्रह है। ये सारा कुछ इसमें इन्होंने इतने सारे एग्जाम्स में जूम कर देते हैं, ये देखिए आप यहां से देखेंगे इतने सारे एग्जाम्स में यहां पर इन्होंने ये सारे प्रश्न पत्र लिए हुए हैं। 2000 IAS प्रारंभिक परीक्षा 2011 से 2020 तक की 100 प्रश्न जो है प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न पत्र लिए हैं, कुल ऐसे 1000 प्रश्न ऐसे लिए हुए हैं। तो ऐसे ही सारा कुछ एग्जाम का यहाँ पर दे रखा है तो आप लोग देख सकते हैं, वरना एक एक बताएंगे तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। ये सारा कुछ देख सकते हैं आप यहां तक, नीचे को देखिए 28,195 220 प्रश्न पत्र यहां पर दे रखे हैं। अब इसके बाद बात करते हैं आगे भारत का भूगोल के बाद, भारत में कर्क रेखा, देखिए भारत में कर्क रेखा जैसे दे रखी है तो आप देखेंगे इस मैप में कैसा इन्होंने बता रखा है मैप में, ये देखिए कि मैप में आप इन्होंने जो मैप बता रखा है, जैसे कर्क रेखा चैप्टर है भारत में कर्क रेखा, तो आपको मालूम है भारत की जो कर्क रेखा है 8 राज्यों से गुजरती है, यहां से गुजरात से चालू होकर गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम में, तो 8 राज्यों से। तो आपको एक डायग्राम जब क्लियर रहेगा ना तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि यहां से कहां थी, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में ऐसा भी पूछ लेते हैं कि पूरब से पश्चिम तक कर्क रेखा की लंबाई बताइए, कि सेंटर में किसके पर जाता है और किस किस रेखा के, तो देखिए हम पर भोपाल में देखिए सबसे पास पड़ता है, जो प्रश्न पूछे गए हैं पहले भी पूछे गए हैं कि देखिए भोपाल जो है 23 डिग्री 25 अक्षांश पर जो है इसकी स्थिति है, तो वैसा अपना जो कर्क रेखा है 23 डिग्री 30 अक्षांश पर है, तो सबसे पास कौन है, तो भोपाल, ऐसा प्रश्न पिछली बार PSC में पूछा गया था, तो वो सारा इसमें आपको देखने मिल जाएगा डायग्राम के माध्यम से, काफी कुछ अच्छा बताया गया है। इसके बाद देखेंगे हम मानक समय बताया गया है, मानक समय जो यहां से गुजरता है इलाहाबाद के हमारे 5 राज्यों से गुजरता है, मानक समय जो है इंटर है ना, तो ग्रीनविच समय जो यहां से पूर्वी देशांतर इलाहाबाद से इंटर करता है आपका छत्तीसगढ़ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होता हुआ जाता है, यहां सर 5 राज्यों से वो सब दिया है यहां पर, फिर इसके पीछे प्रश्न दे रखे हैं सारे कुछ प्रश्न इसमें आपको देखने मिलेंगे। बाकी पेज की क्वालिटी की बात करें तो पेज की क्वालिटी भी अच्छी हैगी, प्रिंट क्वालिटी बढ़िया है और टेक्स्ट की साइज जो है वो भी बढ़िया है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत छोटे छोटे टेक्स्ट हैं, ये सीमावर्ती देश दे रखे हैं, सारा कुछ इसमें देखने मिल जाएगा आपको। यदि आप लोक सेवा आयोग या स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हैं तो वो ही आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। इसके साथ साथ यदि आप बैंक जो बैंक में तो इतना ज्यादा जी की पूछा नहीं जाता, उसमें तो मैं इकोनॉमी के लिए रहता है तो उसके लिए भी इनकी आर्थिकी बुक आती है। बाकी यदि SSC और रेलवे और अदर कोई एग्जाम है जो आपके मध्य प्रदेश के हिसाब से व्यापम एग्जाम, तो उसके लिए आपको ये महत्वपूर्ण हो सकती है। पर अगर चोटियां हैं तो चोटियां जितनी भी दे रखी हैं तो इन्होंने यहाँ पर दे रखी हुई, जैसे आपको और जूम करके दिखाते हैं यहाँ, तो यहाँ देख सकते हैं आप जैसे चोटियां यहाँ उन्होंने मैप में दे रखी हैं पूरी, और फिर उसके भी नीचे नोट्स शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं पर्वत चोटियों पर, ये यहाँ पर इन्होंने नोट्स दे रखे हैं, फिर उस पर क्वेश्चन जो आए हुए हैं, जैसे ये क्वेश्चन आपका MPPS पंचा ने पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो आपको पता है नेपाल में है, तो ये सर आपको यहाँ पर क्लियर हो जाता है डाउट। इसके अलावा भी कोई आपका प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बुक में से हिसाब से काफी बेटर बुक है, इसको आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये सारा कुछ इसमें कंटेंट है। एक क्योंकि एक जैसे गंगा नदी तंत्र दिखाया गया है, देखिए जैसे गंगा अववाह तंत्र जो है इसमें दिखाया गया है, इसको देखेंगे आप गंगा नदी तंत्र को, ये देखिए गंगा नदी तंत्र को जो दिखाया गया है जिस तरह से,
गंगा का तंत्र जो बैठा है सारा कुछ यहाँ पर आपको दिखाया गया कि मैप में, भारत के मैप में कितना है, इतना जो है भारत के मैप में आपको दिख रहा होगा कि इतना तंत्र बहता है, और पूरा उसको जूम करके यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। फिर उस पर जितने क्वेश्चन आए हुए वो यहाँ पर इन्होंने दे रखे हैं इसमें। तो इस तरह से प्रश्न काफी आगे डायग्राम के, जैसे यदि आप लगाना चाहें जैसे लूसेंट की आती है, क्राउन पब्लिकेशन की आती है, और भी अदर पब्लिकेशन अरिहंत की भी आती है, तो उसमें क्या है आपको क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर दे रखेंगे और डिस्क्रिप्शन दे रखेगा कहाँ पर पीछे तरफ। लेकिन मैं सबसे अच्छी बात है कि जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका आंसर है वो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन से ही आपके चार पांच आंसर आपको उसमें देखने मिल जाएंगे। अब देखेंगे ये देखिए क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है इसका आंसर दे रखा है, अब डिस्क्रिप्शन देखिए इतना सारा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, हर जो है आपको देखने मिलेगा, हर जो ऑप्शन है उसका डिस्क्रिप्शन आपको पूरा देखने मिला। तो एक क्वेश्चन से आपके चार पांच छह क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं, और बार बार वो चीज आपकी आती है तो आपको जल्दी याद हो जाएगी। तो इसकी ये अच्छी है, बाकी लूसेंट भी बेटर है, लेकिन और जो अदर पब्लिकेशन की बुक आती है उसमें क्या, लेकिन आपको फैक्ट थोड़े कम मिलेंगे जैसे, लेकिन उसमें क्वेश्चन आंसर और आंसर के लिए भी आपको पीछे जाना पड़ेगा। इसमें यही नीचे ही आंसर है, सबसे मुझे यही चीज अच्छी लगती है कि क्वेश्चन और फिर नीचे पूरा थोड़ा डिस्क्रिप्शन और आंसर, बार बार पन्ने पीछे आंसर मैच करो फिर टिक लगाओ फिर पीछे, तो ये थोड़ा हेक्टिक सा काम हो जाता है। तो ये काम इसमें सही है, बाकी देख सकते हैं और भी सारा कुछ इसमें इतिहास है, बहुत सारी बड़ी बुक है इसमें, वन जो है अपडेटेड डाटा इसमें मिल जाएगा आपको, वन क्षेत्र जो है अभी 2019 की आई थी वन रिपोर्ट वो भी इसमें दे रखी है, यहाँ पर प्रोडक्ट जो है सारा कुछ इसमें आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें बस एक चीज जो है ये है जैसे परिवहन का डाटा भी यहाँ पर दे रखा है, परिवहन का पूरा अपडेटेड डाटा है, परिवहन से जितना भी राष्ट्रीय राजमार्ग है आपके पुराने वाली संख्या और नई वाली संख्या सारा कुछ है, और जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं वो इस पे इन्होंने दे रखे हैं, कितना कितना क्या है इसमें सारा कुछ है। और इसके अलावा कोई आपको डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपको अगली वाली वीडियो जितना अच्छा रिस्पॉन्स आप देंगे तो उतने ज़्यादा हम आपका बुक्स का रिव्यू आपको देंगे, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग, क्योंकि सब्सक्राइब करके रहते हैं वीडियो देखते हैं कि उसमें दिखता है बास टाइम वगैरह में आपका देखिए डिस्क्रिप्शन में, तो सब्सक्राइबर जो है उससे कम व्यूज आते हैं और बाकी अदर लोग जाना देखते हैं। तो धूमकेतु है, यहाँ पर आपका विश्व का भूगोल चालू हो गया है, ये विश्व का भूगोल हो गया, कर्क रेखा मकर रेखा सारा कुछ यहाँ आपका आपको डिस्क्रिप्शन में दिन रात बराबर जो है यहाँ आपको दिखने मिल जाएगा। ये पर्वत श्रेणियां के बारे में बताया गया है, तो ये देख सकते हैं विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां, आपको जाते जाते इसका जूम करके और दिखा देते हैं, ये देखेंगे आप यहां से विश्व की पर्वत श्रेणियां, तो देखिए पूरा यहाँ पर इन्होंने दिखा रखा है, यहाँ भारत की है, भारत के बाद आपका यहाँ से यूरोप यूरोप लग जाएगा, एशिया यूरोप, यहाँ से आपका अफ्रीका दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका, और यहाँ पर आप ओशनियाई देश इसको आप ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, यहाँ पर आपका नीचे जो है अंटार्कटिका है, ऊपर आर्कटिक है। तो यहाँ सारा पर जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं विश्व की जो आपकी सारी खास खास जो आपको दे रखी हैं वो आपको यहाँ पर दे रखी हैंगी, जैसे कि आपकी देखिए यूराल पर्वत यहाँ पर है, पामीर का पठार, और यहाँ से जो आपका है पामीर का पठार देखा हो आपने, हिंदुकुश पर्वत यहाँ से जाता है और हिमालय श्रेणी दोनों के ऊपर आ जाता है पामीर का पठार, जैसे अपन विश्व की छत भी कहते हैं, काफी ऊंचाई पर है यहाँ पर, काफी कम लोग रहते हैं, तो इस तरह की यहाँ पर इसमें दे रखे हैं, और भी कुछ भी है बहुत सारी बुक में, कुल मिलाकर गुड है, गलतियां भी अभी तक मुझे इसमें नहीं देखने मिली है, बाकी काफी अच्छी है, बाकी कहीं मिलेंगी तो इसमें इसकी वेबसाइट पर जो है आप जा सकते हैं, इनकी वेबसाइट जो है shop.ssgcp.com इस पर आपको खरीद सकते हैं, बाकी जो इनकी वेबसाइट है SSGP इस पर आपको अपडेट मिल जाएगा, कोई भी यदि वो रहती है SSGCP जो वेबसाइट है इस पर आपको कोई भी इसमें यदि एरर रहती है बुक में तो आपको शुद्धि पत्र इसमें मिल जाएगा। तो इसको वीडियो को आज यहीं पर अपन फिनिश करते हैं, क्योंकि बुक का बुक लगभग जितना ओवरव्यू था पूछ लिया आप बता दिया है आपके लिए, और इसके अलावा कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, हम आपके लिए बताने का जरूर प्रयास करेंगे। बाकी बाइंडिंग वगैरह की बुक की बात करें तो देखिए इतनी कुछ आपको देखने मिलेगी, बुक की क्वालिटी भी ठीक है देखिए सही है, और पेज क्वालिटी भी आपको सही देखने मिल जाएगी इसमें। तो यहां से आज वीडियो करते फिनिश, तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, धन्यवाद।